बॉलीवुड फिल्में हो या फिर साउथ, सभी मेकर्स किसी न किसी तरह से बेंचमार्क सेट करने में लग जाते हैं। अब एनिमल में भी लग रहा है कुछ ऐसा ही होने वाला है। एनिमल के ट्रेलर का रिस्पांस बहुत ही तगड़ा रहा है और हर जगह सिर्फ इसी का बस भी बना हुआ है। एडवांस बुकिंग में जितनी तेजी से इस टाइम टिकट्स बुक हो रही हैं, उससे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये फिल्म जबरदस्त ओपनिंग लेने वाली है। अब हाल ही में हैदराबाद में एनिमल का एक प्री रिलीज इवेंट रखा गया था, जहां महेश बाबू और SS राजामौली भी शामिल थे। यहीं पर एनिमल के आर्ट डायरेक्टर सुरेश सेल्वराजन ने एक बड़ा खुलासा किया, जिससे सभी की एक्साइटमेंट इस फिल्म को देखने के लिए काफी बढ़ गई है। उन्होंने बताया कि फिल्म के ट्रेलर में एक सीक्वेंस दिखाया गया है, जिसमें एक बड़ी सी गन से रणबीर कपूर गोलियां बरसाते हुए नजर आते हैं। वो कोई VFX नहीं है, बल्कि 4 महीने लगाकर वो मशीन गन बनाई गई थी। उन्होंने खुद बताया कि फिल्म में एक सीन है जिसमें रणबीर कपूर का कैरेक्टर अपने दुश्मनों पर धुआंधार गोलियां बरसा रहा है। ऐसे सीन्स आजकल बड़े ट्रेंड में हैं। आपको बता दें कि ये सीन पहली बार सिल्वेस्टर स्टैलोन की रैम्बो फिल्म सीरीज में देखा गया था। आप अगर गूगल पर रैम्बो मशीन गन का सीन डालेंगे तो आपके सामने उस फ्रेंचाइजी के काफी सीन्स सामने आ जाएंगे। इंडियन फिल्म्स की अगर बात करें तो इंडिया में ऐसे सीन्स शुरू हुए थे टाइगर जिंदा है के बाद से। इसी तरह के सीन्स KGF 2 में भी कहीं ना कहीं देखे गए थे और अब एनिमल में भी देखे जाएंगे। एनिमल के आर्ट डायरेक्टर सुरेश सेल्वराजन चिरंजीवी और रामचरण की फिल्म आचार्य में अपने काम की वजह से काफी चर्चा में आए थे। अब वो एनिमल पर काम कर रहे हैं, लेकिन उनके इस खुलासे ने फैंस को काफी एक्साइटेड तो जरूर कर दिया है। वैसे मोस्टली फिल्म्स में VFX की मदद से ये सीन्स क्रिएट किए जाते हैं, खासकर गोलियों और उससे निकलने वाली आग को एक्यूरेट तरह से दिखाने के लिए। मगर एनिमल के आर्ट डायरेक्टर सुरेश सेल्वराजन ने बताया कि इस फिल्म के लिए 500 किलो की वॉर मशीन गन असल में तैयार की गई थी, जो कि बहुत बड़ी बात है। ये रियल स्टील की बनी गन है, जिसे तैयार करने में 4 महीने का टाइम भी लगा था। इससे पता चल जाता है कि एनिमल के डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा किस हद तक गए हैं इस फिल्म के लिए। इसी के साथ अब आपको बता दें कि फैंस का अभी भी ये कहना है कि अगर गन को बनाने में इतनी मेहनत और टाइम लगाया गया, तो थोड़ा टाइम गोलियों को चलाने में भी दिखाना चाहिए था, क्योंकि इस सीक्वेंस में चलने वाली गोली असली नहीं लग रही है। VFX का काम भी काफी हल्का लग रहा है, जिसे ठीक तरह से दिखाना चाहिए था। खैर, अभी तक एनिमल के देश भर में 2.28 लाख से ज्यादा टिकट्स बिक चुके हैं। वहीं रणबीर कपूर की ये फिल्म सिर्फ एडवांस बुकिंग में अब तक 6.95 करोड़ की कमाई भी कर चुकी है। अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि रणबीर कपूर और बॉबी देओल की ये फिल्म आखिर फैंस को कितनी पसंद आती है। क्या सच में लोगों को इसके VFX नकली लगते हैं या फिर असली। बाकी इसी के साथ अभी के लिए इतना ही। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि 500 किलो की स्पेशल गन को बनाने वाली बात ने आपको कितना ज्यादा एक्साइटेड कर दिया है। और इसी तरह से हर एंटरटेनमेंट अपडेट के लिए देखते रहिए आप ENT Live।